कई लोग नमाज पढ़ते हुए दोजानू होके या अत्तहियात की पोजीशन में नहीं बैठ सकते, उसकी वजह यह है कि घुटने के या तो मसल्स काफी ज्यादा कमजोर होकर टाइटनेस का शिकार हो जाते हैं या घुटने के अंदर आर्थराइटिस डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें यंग यंग बच्चे, पहले जमाने में बुजुर्ग लोग कुर्सियों में बैठे होते थे मस्जिदों में, लेकिन अब देखें तो यंग यंग लोग 30-30 साल के, 32-32 साल की कुर्सियां इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि घुटने के मसल ही डेवलप नहीं है और इस तरह इस पोजीशन में बैठा नहीं जा सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा, अगर आप उसे करेंगे तो आपका आहिस्ता आहिस्ता ये दोजानू होकर बैठना या अत्तहियात में प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ना आसान हो जाए। सबसे पहली एक्सरसाइज है, आपने किसी बेड पे या किसी नरम सर्फेस पे करनी है। आपने करना यह है, एक अदद तकिया लेकर अपनी टांग के इस हिस्से में आपने इस तकिए को इस तरह से फंसा देना है, ऐसे बिल्कुल सीधे हैं, और कोई सरफेस नरम होनी चाहिए, कोई गद्दा वगैरह होना चाहिए। इस तरह फंसा के नीचे आपने पांव का इस तरह पंजा बनाना है और आपने इसके ऊपर ऐसे बैठना है, फिर सीधे खड़े होना है। अच्छा, अब आपने करना यह है कि बैठना स्लो है और फिर सीधे खड़े होना, और बिल्कुल सीधे खड़े होना है। इससे हो ये रहा है कि मेरे इस मसल में फ्लेक्सिबिलिटी और साथ साथ स्ट्रेंथनिंग पैदा हो रही है। इस एक्सरसाइज को आपने 10 दफा करके फिर सांस लेना है, दोबारा 10 दफा करके फिर सांस लेना है, और टोटल इसकी 3 दफा आपने इसको करना है, यानी कि इस वर्जिश को पूरे दिन में 30 दफा आपने करना है। दूसरी वर्जिश के लिए आपने इस तरह उल्टा लेट जाना है किसी बिस्तर पर और अपने पाओं को इस पोजीशन में पकड़ लेना है। अब पकड़ कर मैं इसको अपनी तरफ ऐसे खींचूंगा और उतना खींचना है जितना काबले बर्दाश्त हो, यानी कि दर्द नहीं इसमें शुरू करवा लेनी आपने। आहिस्ता से खींचा है, 3 सेकंड तक रोक के रखना है इस पोजिशन में, फिर सीधा कर देना है। फिर ऐसे पकड़ के खींचा है, 3 सेकंड तक रोक के रखना है इस पोजिशन में, फिर छोड़ देना है। और इस वर्जिश को भी 30 दफा 10-10 करके 30 दफा लेफ्ट लेग में करेंगे और इसी तरह 30 दफा अपनी राइट लेग में करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपने इस तरह लेट कर सीधा अपनी टांग को ऐसे सीधा करके पंजे को टाइट करके पांव की एड़ी को बेड के साथ इस तरह रगड़ कर लेकर आना है, फिर सीधा करना है जितना लेकर आ सके, फिर रगड़ के लेकर आना है, फिर सीधा, और एड़ी को लेकर आना है, पंजे को ढीला नहीं छोड़ना, पंजे को टाइट रखना है, रगड़ कर लेकर आना है। और अगर आप इसमें आवाज सुने, बाकायदा तौर पर रगड़ने की आवाज आती है, और आपने कोशिश करनी है इस वर्जिश में आपने जुराबें पहन के रखना है ताकि आपके पाओं पे इसका जख्म ना हो सके, और दोनों टांगों पे करनी है 10 दफा आपने अपनी 10-10 करके 30 दफा राइट लेग में, 30 दफा अपने लेफ्ट लेग में करना है। और खास तौर पर वो लोग जिनका आर्थराइटिस एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका है, डेवलप हो चुका है, ग्रेड 2 ग्रेड 3 आर्थराइटिस है और टांगे टेढ़ी हो चुकी हैं, बो नीज हो चुकी है या नोक नीज हो चुकी है, वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इन एक्सरसाइज को नहीं करेंगे। और अगर आपको इस तरह का मसला है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिनके घुटनों में अत्तहियात की पोजीशन में नहीं बैठ सकता, उस तक की वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा हो सके। मेरा नाम है सुल्तान फिरोज, अस्सलाम वालेकुम।